नमस्कार। कोरोना संक्रमण के इस दौर में संस्कृति विभाग आप सभी से अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से ऑनलाइन जुड़ने जा रहा है। इस कड़ी में आज उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल द्वारा कला विविधताओं के प्रदर्शन की श्रृंखला गमक में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। संस्कृति विभाग के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रसारित आज के कार्यक्रम में आप रसास्वादन लेंगे दो प्रस्तुतियों का। पहली प्रस्तुति शास्त्रीय गायन की, कलाकार डॉक्टर दीप्ति गेडाम परमार, और दूसरी प्रस्तुति होगी सितार वादन की, कलाकार श्री श्याम वैष्णव। कार्यक्रम का आरंभ हम करने जा रहे हैं शास्त्रीय गायन से। ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर में जन्मी डॉक्टर दीप्ति को प्रारंभिक शिक्षा अपने माता पिता से ही प्राप्त हुई है। आप ग्वालियर घराने के सुप्रसिद्ध गायक पंडित सज्जनलाल ब्रह्मभट्ट रसरंग से ख्याल गायकी के गुण सीख रही हैं। आप वर्तमान में ग्वालियर घराने के दक्ष कलाकार के रूप में विभिन्न देशों में संगीत समारोह में शिरकत कर रही हैं। आपको कई सारे सम्मानों से नवाजा गया है। 2007 में 12वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में शास्त्रीय गायन में आपको स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। इसके अलावा सुरमणि सम्मान, गुरु शिष्य परंपरा सम्मान, वुमन पावर आइकन अवार्ड आदि प्राप्त हुए हैं। देश विदेश में अनेक कार्यक्रमों में आपने शिरकत की है, जिसमें मुख्य मुख्य हैं गुरु पूर्णिमा संगीत महोत्सव, भारत भवन भोपाल, संगीत निशा, मधुकली संस्था आदि प्रमुख हैं। आप आकाशवाणी और दूरदर्शन की ग्रेटेड कलाकार हैं। आज आपके साथ तबला संगतकार हैं श्री मनोज पाटीदार और हारमोनियम पर पंडित जितेंद्र शर्मा। आज आप अपने कार्यक्रम का शुरुआत कर रही हैं राग बागेश्री से। बागेश्री में सबसे पहले आप प्रस्तुत करेंगी विलंबित ख्याल, जो कि एक ताल में निबद्ध है। उसके बाद छोटा ख्याल, जो तीन ताल में निबद्ध है, और राग बागेश्री में ही आप तराना प्रस्तुत करेंगी। आप अपने कार्यक्रम का समापन करेंगी राग काफी में टप्पा से। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर दीप्ति का शास्त्रीय गायन। No.
बंदिश की विशेषता है इसकी सम आकार पे गिरती है। ये बंदिश पंडित रामकृष्ण बुआ वजह जी की है।
डॉक्टर दीप्ति गेडाम परमार के शास्त्रीय गायन के बाद आइए सुनते हैं सितार वादन कलाकार श्री श्याम वैष्णव। श्री श्याम वैष्णव ने सितार के साथ साथ गायन और तबला वादन में भी प्रशिक्षण लिया है। आपने सितार का प्रशिक्षण संत स्वामी रामप्रिय दास सितारी बाबा से लिया। आपने सितार में खैरागढ़ विश्वविद्यालय से एमयूज किया और ब्रज संगीत विद्यापीठ मथुरा से संगीताचार्य की उपाधि ली। श्री वैष्णव ने देश और प्रदेश में अनेक कार्यक्रमों में सफलतापूर्वक प्रस्तुतियां दी हैं, जिसमें ऑल इंडिया वैष्णव समाज इंदौर, संस्कार भारती, कालिदास अकादमी उज्जैन, कुंभ मेला, कला संगम आदि प्रमुख हैं। आपने हिंदी और संस्कृत नाटकों में भी सितार वादन की प्रस्तुतियां दी हैं। आपको कई सम्मानों से नवाजा गया है, जिसमें मुख्य मुख्य हैं अभिव्यक्ति सम्मान, सिरमौर, कर्मवीर, यंग इंडिया। आज की प्रस्तुति में आपके साथ तबला संगतकार हैं श्री मनोज पाटीदार। तो आइए सुनते हैं सितार वादन। Thank you.
श्री श्याम वैष्णव के सितार वादन के साथ ही आज का ऑनलाइन गमक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। अगली कड़ी में हम फिर संस्कृति विभाग के और नए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।